हेलो दोस्तों, वेलकम टू फटाफट इंग्लिश। आज हम फटाफट इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स से देखने वाले हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स के कॉन्सेप्ट के अंदर जाने से पहले आप हमारे लिए एक थोड़ी सी हेल्प करने की जरूरत है। कौन सी हेल्प? हमारे फटाफट इंग्लिश के वीडियोस को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल विस्टम जॉब्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं ये हमारी आज की क्वेश्चन। अगर आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं तो यहां पे दो ब्लैंक दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, और दोनों ब्लैंक के यहां पे दो ऑप्शन, पांच ऑप्शन दिए गए हैं। ईच ऑप्शन में दो दो आंसर हैं, मतलब अगर एक का भी ब्लैंक का आंसर आपको मिल गया तो ऑब्वियसली दूसरा ब्लैंक का आंसर भी इजीली मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसा सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हमें पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत ही जरूरत है। पीपल वॉन्टेड टू डैश एम्पथी एंड मेक इट कम्फर्टेबल डैश ए वाइडर रेंज ऑफ इमोशंस। तो यहाँ पे कुछ एम्पथी, सिंपथी, इमोशंस के बारे में बात किया गया है। तो एक एक ऑप्शन को यहाँ पे हम यूज करके देखते हैं। पीपल वॉन्टेड टू अटर, फॉर एग्जाम्पल अटर जैसी वर्ड है, मतलब शी वॉन्टेड टू अटर सम वर्ड्स, ही अटर्ड हिज लास्ट वर्ड्स। ऐसी जो चीजें होती हैं वो वर्ड्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इमोशंस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अब बी ऑप्शन देखेंगे। पीपल वॉन्टेड टू स्टेट एम्पथी एंड मेक इट कम्फर्टेबल टू लाइक अ वाइडर रेंज ऑफ इमोशंस। अब देखिए ये पूरा एक ग्रामेटिकल एरर बन जाता है। अगर यहाँ पे टू लाइक लिखेंगे और स्टेट, स्टेट ऑफ इमोशंस बोल सकते हैं, लेकिन स्टेट एम्पथी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी आपका राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये पूरा ऑप्शन लगाने से पूरा ग्रामेटिकली एरर बन जाता है। अब तीसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे, देखेंगे। पीपल वॉन्टेड टू से एम्पथी एंड मेक इट कम्फर्टेबल टू शेयर अ वाइडर रेंज ऑफ इमोशंस। अब देखिए एम्पथी जैसी वर्ड को हम से एम्पथी नहीं बोल सकते, लेकिन दिखाना पड़ता है। अब ये जो वर्ड्स ऐसी जैसी हैं, एम्पथी, सिंपथी, एंग्री, जो भी इमोशंस है, वी कैन नॉट से देम, वी कैन नॉट टेल दैट आई एम एंग्री और सिंपली, बट यू हैव टू शो देम, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर इन अ स्टेट ऑफ इमोशन। सो दिस इज हाउ दिट इज, सो यू कैन नॉट यूज द वर्ड ऑप्शन सी ऑल्सो। नाउ देर आर टू ऑप्शंस, एंड एक्सप्रेस एंड कन्वे। अब देखिए जो कन्वे जैसी चीजें हैं ये रिगार्ड्स के लिए यूज करते हैं, मतलब जब कोई शुभ चीज हो, मतलब कोई गुड न्यूज मिल जाती है तो किसी को फोन में बात करते हुए या डायरेक्टली बात करते हुए तो बोलते हैं कि प्लीज डू कन्वे माई रिगार्ड्स, प्लीज डू कन्वे माई ग्रेटिट्यूड। ऐसे बोलते हैं कि मेरी ये फीलिंग है, जाके उन्हें बोल दीजिए माई रिगार्ड्स, मतलब कंग्रेचुलेशंस बोल दीजिए। सो इसीलिए कन्वे एम्पथी यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। To get a wider range of emotion, this is also not suitable. So the only option which is suitable here is express or express and to share. अब देखिए यहाँ पे express लिखते हैं और यहाँ पे share लिखते हैं। अब देखिए पढ़ के देखते हैं ये पूरा। People wanted to express empathy and make it comfortable to share a wider range of emotions. So दोस्तों हमेशा empathy जैसे emotions जैसी चीजें होती हैं, तो यहाँ पे express, टू शो, इन जैसे चीजों को यूज किया जा सकता, लेकिन कभी भी अटर, स्टेट, इन जैसे चीजों को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अटर जैसी वर्ड्स जैसी चीजों को यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, वी बहुत ही इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और फटाफट इंग्लिश के वीडियोस को फॉलो करने के लिए विस्टम जॉब्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट्स हो, ना ही ये सेम टॉपिक, कोई भी से टॉपिक के बारे में या कोई भी नए सब्जेक्ट के बारे में, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।